बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, ध्यान समझना इसको, काउंटिंग डिजिट। अंकों की गणना करना, ठीक है। पहले आप समझ लो डिजिट और संख्या किसको बोलते हैं, है ना, ध्यान समझो। यहां पर लिखा मैंने 4, 5, 6, ठीक है। इसमें अगर संख्या की बात करूं तो संख्या क्या है, 456। 456 कंप्लीट क्या है, एक संख्या है। अंक की बात करूंगा तो आप क्या बोलोगे, सर 4 एक अंक है, 5 एक अंक है और 6 एक अंक है, क्लियर है। तो कितने अंक हुए इसमें, 3 अंक हुए, क्लियर है। कितने अंक हुए, 3 अंक हुए। अगला मैंने मान लिख दिया 7, 8, 9, 3, ठीक है। संख्या कितनी है इसमें, एक संख्या है, ये कंप्लीट क्या है, एक संख्या है। अंक कितने हैं, 4 अंक है। तो अब मैं जो बताऊंगा उसमें आपको अंकों को काउंट करना है, ना कि संख्या को, ठीक। देखिए ध्यान से, पहला लाइन ध्यान से देखिए, 1 से 9 तक संख्या में कितने अंक हैं बताइए, 1 से 9 तक संख्या में कितने अंक हैं, कहां से एक अंक, एक खुद में संख्या भी है और अंक भी है, 2 खुद में संख्या भी है अंक भी है, और 9 तक गए तो कितने अंक हो गए, 9 अंक हो गए, क्लियर है क्या। पहला लाइन 1 से 9 तक की संख्या में कितने अंक हुए, 9 अंक हुए। अब अगला लाइन ध्यान से देखना, 1 से 99 तक संख्या में कितने अंक हैं, 99 बताइए, सेपरेट गिनेंगे। इसीलिए मैं बोला डिजिट अलग चीज होती है, संख्या अलग होती है। जब आप इस 9 से आगे बढ़ते और 10 जब मैं बोलता तो 10 में कितने अंक होते, 2 अंक होते। यानी आप जब 9 से आगे बढ़े तो 10, 11, 12, 13, 14 सब कितने अंक वाले हैं, 2 अंक वाले आपको मिलने चालू हुए। और कहां तक मिलेंगे आपको, 99 तक। तो आपको मैंने पूछा कि 1 से 99 तक ऐसा हमको कितने अंक मिलेंगे, टोटल कितने अंक होंगे, ठीक। सिंपल एकदम नंबर और डिजिट का ही खेल है। डिजिट बोलने से कंफ्यूजन ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। संख्या बोलते तो 99 संख्या बोलते तो करेक्ट है, बट यहां पर मैंने पूछा है डिजिट 1 से 99 तक डिजिट कितने हैं। एकदम दिमाग रिलैक्स रखो, एकदम भारी तनाव भरा दिखता है, इतना तनाव ले कैसे जी रहे हो। हाँ, 189 है, कुछ ही नहीं, ध्यान से देखना बस, ठीक है। इधर देखो, 1 से जब 99 तक आप बढ़े, ध्यान से देखते, 1 से 99 तक बढ़े तो आप पहले 1 से 9 तक चलो। 1 से 9 तक में जो संख्या है उसमें कितने अंक बोले आप अभी, 9, इतना काम हो गया। 9 के बाद 9 तक सिंगल डिजिट वाले थे, अब शुरू होगा कहानी कहां से, 10 से। और 10 से कहां तक जाना है आपको, 99 तक जाना है। ये 99 तक अगर जा रहे हो तो कितने अंक वाला है, कितने डिजिट वाला है, 2 डिजिट वाला है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है, 2 डिजिट वाले अंक है, 2D क्या शो कर रहा है, 2 डिजिट। ये 2 डिजिट वाले अंक कितने हैं, अब इसको जानना है आपको कि ये 2 डिजिट वाले जो संख्या की अगर मैं बात करूं ये कितने हैं उसको जानना है। अब वो कैसे निकलेगा उसको ध्यान से देखो, 10 के बाद 99 तक 2 डिजिट है, इनटू करना है। अब यहां पर देखो ये 99 है और ये 9 है, आपको क्या करना है, 99 में 9 को घटा देना, क्योंकि 9 की काउंटिंग हो चुकी है, उसको हटा दो तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 90, और यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, ये 180, ठीक। 180 टोटल क्या है यहां पर, डिजिट है, कहां से कहां तक, 10 से 99 तक। और अगर टोटल आपको पूछे कि 1 से 99 तक कितना है तो आप क्या बोलोगे,
180 प्लस 9 टोटल 189। क्लियर है क्या? हाँ, दो डिजिट वाले की संख्या कितनी? 180। एक डिजिट वाला कितना है? 9 है। टोटल बोल दिए कितना हो गया? 189। 189 क्लियर हुआ। और अभी बना रहे हैं, है ना, पूरा आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखते जाना, है ना, ठीक है। हाँ, नोट कर लो, ये 2D क्या है? डिजिट है ना, याद रखना है। ये जो 2D लिखा हुआ है ये क्या है? आपका डिजिट है। मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लेफ्ट ब्रेन को यूज करवा सकता है, याद रखना। थ्योरेटिकल कुछ नहीं है, थ्योरी पढ़ पढ़ के दिमाग लेजी हो जाता है, बट अगर एक्टिव करना है तो मैथ्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा दबाव, थोड़ा प्रेशर झेलोगे, है ना, तभी चीजें हो पाएंगी। और मैथ्स का ऐसा है कि एक बार सीख गए ना तो आपको बस प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलेगा, क्लियर है, ठीक है। और आंसर आने की गारंटी आप खुद दोगे, क्योंकि जब आप बनाना सीख जाओगे तो आंसर देखकर खुद बोलोगे ये आंसर सही है, मतलब सही है। बाकी में कहीं ना कहीं जीके में थोड़ा वो डाउट हो जाएगा कि नदी यहां से निकलती कि वहां से निकलती, बट इसमें कोई ऐसा ही नहीं, एक यानी एक, दो यानी दो, उसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। चलिए, तो कितना हो गया आपके पास? 189। चलो, इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखते चलना, ठीक है। यही क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं। अब मैंने लिख दिया कि आप बताइए 1299, 1 से 999 तक संख्या में कितने अंक हैं? 1 से 99 तक संख्या में कितने अंक हैं? कितने डिजिट हैं? ठीक है, कितने डिजिट हैं? 1 से 999 तक कितने डिजिट हैं? ठीक है, जिनको बिल्कुल क्लिक नहीं हो रहा है वो इस साइड ही देखते रहना, बाकी लोग सॉल्व करते रहना। देखो, आपने अभी 1 से 99 तक निकालना सीख लिया, ठीक है। आपको अभी ये मैंने बताया कि 1 से 99 तक अगर आपकी संख्या है तो 1 से 99 तक संख्या में कितना हमारे पास हो जाता है? टोटल 189 अंक या डिजिट होते हैं, ये हमने निकाल लिया है। इतना क्लियर है? अब 99 के बाद कहानी को आगे बढ़ाना है, और 99 के बाद कहानी आगे बढ़ेगी तो कहां शुरू होगी? कहां शुरू होगी? 100 से शुरू होगी, और 100 से कहां तक जाएगी? 999 तक। अब यहां पर देख के बताइए 100 कितने डिजिट वाला है? 3 डिजिट वाला, तो यहां पे क्या लिखूंगा? 3D। ये 3 डिजिट वाली संख्या कितनी है अब उसको काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए मैंने बताया था इसको इसमें माइनस करना। किसको भाई? 999 में जो आपने काउंट कर लिया है, ये काउंट हो गया है, उसको आप हटा दो। क्लियर है? हटाने के बाद क्या बचा भाई? देखो यहां पे 3 × क्या बचा? 900, और इसको गुणा कर दिए कितना मिल गया आपको? 2700। समझ में आया पॉइंट? यानी 3 डिजिट वाले में कितना मिल जाएगा आपको? 2700 मिल जाएगा। 900 क्या है? संख्या है, मल्टीप्लाई कर दिए नंबर में, अंकों में कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब टोटल की बात करें 1 से 9 से 99 तक, तो टोटल कितना होगा हमारे पास? 2700 प्लस कितना होगा? 189। ऐड कर लेंगे कितना आएगा आपके पास? 2889। क्लियर है क्या? ध्यान से देखो, 2889, ठीक है। पिछली कहानी से एक कदम आगे बढ़े, 3 डिजिट वाला मिला, 3 डिजिट वाले में अपन सॉल्व कर लिए। हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखते चलना, इसका आंसर आप लोग बताना जरूर, ठीक है। इसी को एक लेवल और बढ़ा दो, 1 to 999 तक बताओ संख्या में कितने अंक हैं? अभी तक आप सीख गए होंगे तो बताइए कितने अंक हैं आप? एक से 999 तक, 1 से 999 तक आप निकाल चुके हो, 1 से 999 तक बढ़ना है। क्या करेंगे बताइए? 1 से 999 तक आपको पता है कितना है भाई? 2889। ये आपको पता है, इससे आगे बढ़े आप आए 1000 में, 1000 से अब आए कहां? 999 तक।
और डबल नाइन तक गए यानी कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको, चार डिजिट। और चार डिजिट वाली संख्या कितनी मिलेगी जब हम डबल नाइन को किसमें माइनस करेंगे, ट्रिपल नाइन में माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर इंटू कितना 9000, इसको मल्टीप्लाई कितना मिला 36000 मिला। ठीक है, अब टोटल जब बात करेंगे तो हमें कितना करना पड़ेगा, 36000 प्लस 2889, ठीक है, कितना मिल जाएगा 3889। हो गया, अंक काउंट कर रहे हैं ना, संख्या के अंदर के कितने अंक हैं, एक से लेकर आपके डबल नाइन तक कितने अंक हैं उसको हमने काउंट किया है ना, उसको हमने काउंट किया है। हो गया, देख क्या समझ में आ रहा है बताओ, तो समझ में आ रहा है क्या बना रहा हूं, कुछ यहां पर अपन कॉमन कुछ सीक्वेंस पकड़ पा रहे हैं, कुछ सीक्वेंस पकड़ में आ रहा है। ठीक है, एक कॉमन रूप में कॉमन वे में बिल्कुल ये क्या है, बढ़ता चला गया है, कैसे बढ़ा है उसको ध्यान से देखना। ठीक है, पहला तो 9 है वो आपको क्लियर है, अगला यहां पर कितने बार 9 है, दो बार 9 है, दो में एक कम करो, शुरुआत होगा एक से और एक बार 8, सुनते जाना बस, कितने बार 9 है, तीन बार, तीन में एक कम करो दो, दो तो दो बार 8, कितने बार 9 है, चार, चार में एक कम करो तीन, कितने बार 8 हुआ, पांच, पांच में कम करो क्या, चार, कितने बार 8, ठीक, ये कितना 6, 6 में कम करो कितना 5, कितने बार 8। ठीक है, अगला मैं लिख दिया, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये 7 9, तो यहां पर कितना आएगा बताओ, 6, कितने बार 8, 6 बार 8, यहां पे जो लिखा है उतने बार, ठीक है, उतने बार 8, और क्या आ जाएगा 9, क्लियर है। ठीक, कभी भी अगर आपको ये नंबर पूछे 1 से 999, 1 से 9999, बस आपको ये लॉजिक को ध्यान में रखना है और बना लेना। ठीक है, जितने बार 9 दिया उसमें एक कम करके शुरू करना और उतने बार 8 लिख के लास्ट में 9 लगा देना। ठीक है, तो अलग से आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में, बना ले पिरामिड को। हो गया, ठीक, अब देखिए ये तो बिल्कुल ये क्या है आपका बेस है ना, बहुत इजी क्वेश्चन अगर इस कॉन्सेप्ट से बना तो ये पहला क्वेश्चन आपको पूछेगा, एक से डबल लाइन तक बोल देगा, एक से ट्रिपल लाइन बोल देगा, एक से डबल लाइन तक बोल देगा। बट मान लो रैंडमली कोई बीच का ही नंबर उठा दिया, तब आप कैसे काउंट करोगे उसको आप ध्यान समझना। ठीक है, ये तो आपको क्या है बेसिक एकदम, बट आपको ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि बताइए 1 से 512 तक संख्या में कितने अंक हैं। ठीक है, 1 से 512 तक आपको पूछ लिया कितने अंक हैं, तो आप बोलोगे सर अपन को तो 999 और 9999 ये सब चीजें याद की हैं, तो यहां पे 512 तक की संख्या का काउंटिंग कैसे होगा, तो बता रहा हूं उस तरीके को पहले ध्यान समझना फिर क्वेश्चन में अप्लाई करना, जो आपको याद है पहले उस रेंज तक आप पहुंचने की कोशिश करो। जैसे मैंने बताया कि 512 जो संख्या है उस संख्या की बात करूं तो ये क्या है, आप
उसके पहले की संख्या तक आप चलोगे, यानी 199 तक आपको पता है, ठीक है, 199 के बाद का ही है, और 1 से अगर 999 देखोगे तो ज्यादा संख्या हो जाएगी। तो यहां पर सबसे पहला काम आप क्या कर लेना, 199 तक जो आपको पता है उसको आप लिख लो, कितना होता है 189। अब 99 के बाद कितना बचेगा उसे हम लोग देखेंगे। जैसे 100 से अब कितना जाना है आपको, 512 तक, ठीक है, 512 तक, 512 यानी 100 से 512, ये कितने अंक वाला है, 3 डिजिट वाला है, और 3 डिजिट वाली संख्या कितनी है वो काउंट करने का तरीका मैंने क्या बताया था, 512 में किसको घटाएंगे, 99 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 413 मिलेगा, हाँ ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना मिलेगा आपको, 3 + 9 = 3 और ये 12 3 9। ये चीज समझ में आया क्या, ठीक, तीन में जैसे अपन करते आए थे वही किया हूं मैं यहां पर, आप यहां पर 999 लिखा रहे थे उसकी जगह 512 लिखा है, ये चीज आपको पता थी तो डायरेक्ट लिख लिए और बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल लिए। अब टोटल की अगर बात करें तो टोटल में क्या हो जाएगा आपके पास, 189 + 1239, ठीक है, इसे ऐड कर देना, कितना आ जाएगा ये आपके पास, 9 × 18 = 1428, देख लो पिछला वाला कॉन्सेप्ट का यूज किए हैं। ये क्वेश्चन जब आपको रैंडमली कोई भी नंबर उठा के देगा तब के केस में आपको क्या करना है उसके लिए बताया, ठीक है। ये 99 तक क्यों रुके ये समझ में आया ना, ठीक है, क्योंकि आपको 3 अंकों का दिया था इसलिए 2 अंकों तक का आप पहले निकाल लिए। 100 से क्योंकि आपका 3 अंकों का चालू हो रहा है तो 100 से अपन 512 तक का फिर अलग से निकालें, ठीक है। चलिए देखिए आप अगला क्वेश्चन देखिए, मान लो आपको दिया 1 से 1500 या ले लेते हैं हम 1224, 1224 तक संख्या में कितने अंक हैं, 1 से 1224, क्या बोला, 1 से 1224। अब बताओ आपको यहां पर कहां तक का याद है ये बता दो, 1 से 1224 के पहले आपको कहां तक का याद है, हाँ 999 तक आपको याद है, याद है कि नहीं याद है, ये 1224 चार अंकों का है, इसके पहले मैक्सिमम कहां तक का पता है आपको, तो आप बोलोगे सर हमें याद है 1 से 999 तक, और 1 से 999 तक कितना होता है, 2889, क्लियर है क्या, ठीक। ये 3 है, 3 में 1 कम किए 2, 2 × 8 = 9, डन, इतना अपन को याद है। अब एक्स्ट्रा जो है 1224 में आने उसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, मतलब 1000 से लेकर 1224 तक आप काउंट करोगे, यहां तक जब आप जाते हैं तो कितने अंक आपको मिलते हैं, 4 डिजिट वाली संख्या कितनी है वो कैसे पता करेंगे, जब 1224 में क्या घटाएंगे हम, 999 को घटा देंगे, कितना मिलेगा, 4 × कितना मिल रहा है आपको, 225, यही मिलेगा घटाने के बाद, ठीक 225 मिला, 225 × 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 900, कितना हो रहा है देखो, ठीक है 900 900। और टोटल की बात करें अब 1 से 1224 तक टोटल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2889 + 900 करना पड़ेगा, और कितना मिल जाएगा आपको यहां पर, 89 और 9 8 17 और 1 3 3 7 8 9, समझ में आया क्या किए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बस आप लोग बता दीजिए, ये हटा दो देख लो एक बार, ओके देख अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, 1 से 2 8 3 5 6 तक बताइए, 2 8 3 5 6 तक कितने अंक होंगे, 1 से 2 8 3 5 6 तक कितने अंक होंगे बताइए, आप कहां तक जाओगे बताओ, 1 से कहां तक जाओगे, है ना,
डबल नाइन तक आप जाओगे, है ना, क्योंकि ये 5 है तो आप डबल नाइन तक आपको याद है। अगर ये 4 बार 9 है तो 4 में 1 कम करेंगे, क्या लिखेंगे 3, और कितने बार 8, 3 बार 8 लिखे और 1 9 लिख दिए, हो गया ठीक है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप कहानी चालू होगी कहां से, 10,000 से, ठीक है, 10,000 से कहां तक जाना है आपको, 28,356 तक हमें जाना है। अभी कितने अंक वाला है, 5 अंक, तो 5 × क्या करेंगे हम, 28356 माइनस 9999, क्लियर है, बताइए कितना आएगा यहां पर, 28356 9999 माइनस करो कितना आ रहा है, और 5 में मल्टीप्लाई करके बताओ फाइनल कितना, फाइनल बता रहे पूरा, ये नंबर बता रहे कितना बोले, 288 में पूरा मल्टीप्लाई, 28890 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया, ये तो 5040 कितना हुआ फाइनल, 5 0 5 9 4 44 14, ये आया क्या, देखो ठीक है, और हाँ किसमें माइनस प्रॉपर मल्टी नहीं किए हो क्या, अरे भाई इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई करके बताओ ना कितना आ रहा है, 16 9 गया ये 7 हो जाएगा, 91785 पूरा बता रहे हो, ठीक है देख लो एक बार चेक करके बाकी लो, ठीक है, और लास्टली फिर क्या करना है, इसको जोड़ लिए तो टोटल डिजिट मिल जाएगा, क्लियर है। तो अब आपके पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको डिजिट काउंट करने बोला जाएगा, वो हर टाइप का क्वेश्चन कैसे भी घुमाकर आपको पूछे, आप आसानी से क्या कर सकते हो, उसे बना सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो आज बिल्कुल बेसिक चीजों को हम लोग समझेंगे, और यही नंबर सिस्टम का आप समझ जाइए, नंबर सिस्टम की शुरुआत हो गई है, नंबर के गेम चालू हो गए हैं, तो इन्हीं नंबर्स के गेम को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, डन।